नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार, गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा पेंशन लिस्ट चेक करना। यानी कि दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में भी पेंशन लिस्ट के बारे में मैं आपको बताया था, तो उसमें हुआ क्या था दोस्तों कि बहुत सारे लिस्ट निकल जाता था और देखने में बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन मैं आपको एक नया तरीका आपको बताता हूँ, उससे आप आसानी से आप चेक कर पाएंगे। तो पेंशन लिस्ट में आपको किसके किसको मिलता है दोस्तों? एक होता है वृद्धावस्था पेंशन, यानी कि जो ओल्ड एज वाला का होता है। एक होता है दिव्यांग पेंशन। दिव्यांग पेंशन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे वो विकलांग हैं। एक होता है विधवा, ठीक है ना, वृद्धा, दिव्यांग, और एक होता है विधवा, ठीक है दोस्तों। तीन तरह से आप पेंशन आपको मिलता है दोस्तों, तो तीन तरह से हम लोग आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे हम यहाँ पे आपको लिखना क्या है दोस्तों, आपको लिखना है गूगल में लिखना है पेंशन लिस्ट लिखिएगा। जैसे पेंशन लिस्ट लिखिएगा और आपको इस सब साइट पर नहीं आना है, डायरेक्ट वेलकम इस पर साइट पर आपको आ जाना है। जैसे यहाँ पे आइएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको खुल जाएगा। इसका मैं डायरेक्ट लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे हर स्टेट का आप देख सकते हैं। मैं बिहार से, तो मैं बिहार पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, मैं पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि ओल्ड एज, दिव्यांग, इसमें से क्या क्या चीज होता है, इंदिरा गांधी पेंशन, इसका फुल फॉर्म होता है इसका, तो फुल फॉर्म से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, मैं ओल्ड एज इस पर मैंने क्लिक कर देता हूँ और आपको सबमिट पर मैंने क्लिक कर देता हूँ। जैसे इसमें आपको चेक करना होगा कि आप दिव्यांग है, आप विकलांग है या वृद्धा है, इसमें से तीनों में चूज करके आपको क्लिक करना है। इसका शॉर्टकट यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, अगर आपको शॉर्टकट समझ में नहीं आता तो मैं एक और पेंशन लिस्ट का मैं आपको वीडियो बनाया, उसमें पूरा आपको बता दिया हूँ कि कौन सा लीजिएगा तो शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, सारे लिस्ट को यहाँ पर खुल के आ गया है सब डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन अपना इसमें डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है। मैं अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज किया, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद अपना ब्लॉक आपको चूज करना है। ब्लॉक चूज करने के बाद अपना पंचायत चूज करना है। पंचायत चूज करने के बाद आपको सारा लिस्ट यहां पर आपको खुलकर आपको आ गया है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, जैसे खुल के आ गया तो देखिए 416 आपको टोटल इसमें आपको कैंडिडेट हैं, लेकिन अब हमको अपना कैसे ढूंढना था। देखिए यहाँ पे सर्च है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सर्च है। तो सर्च में आपको सिर्फ आपको नाम टाइप कर दीजिए, वो आपको खुद आपको अपना ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नो मैच किया, यानी कि मनोज के नाम से नहीं है, ठीक है ना। देखिए इस नाम से भी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर आपको जो नाम रहेगा ना, तो आपको यहाँ पे नाम आपको शो कर देगा। जैसे मैंने देखिए नाम टाइप किया, इसमें देखिए नाम आपको आ गया। इस तरह से आपको एकदम इजी तरह से आपको ढूंढ सकते हैं, एकदम आसान तरीका। उसी तरह से आपको यहाँ पर आपको ढूंढ सकते हैं और अलग अलग करके आप ढूंढ सकते हैं। और इसमें से भी तो इस तरह से आपको यहां से भी चेंज कर करके दिव्यांग, ओल्ड एज, वृद्धा स्पेशल आपको ढूंढ सकते हैं और चेक कर सकते हैं। आपको पर्सनल ही आपको बताएगा और फिर उस पर क्लिक, पर्सनल ही आपको बताएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताया। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।